विधानसभा के कांग्रेस नेता राजभान सिंह ने चित्रकूट विधानसभा के अमृति ग्राम पंचायत के सिद्धा पहाड़ पर चौपाल लगाई, जिसमें श्री सिंह ने कहा कि यह पहाड़ ऋषि मुनियों की अस्थियों का था। तब राम को मुनियों ने बताया कि राक्षस कई मुनियों को खा गए और यह अस्थियां उन्हीं मुनियों की हैं। भगवान राम ने यहीं पर राक्षसों के विनाश की प्रतिज्ञा ली थी। इसका उल्लेख तुलसीदास जी की चौपाइयों में है। श्री सिंह ने कहा कि ऋषि मुनियों की स्मृतियों के क्षेत्र में खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिद्धा पहाड़ हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र है। सिद्धा पहाड़, जिसका वर्णन हमारे रामायण में है कि राक्षसों ने हमारे ऋषि मुनियों को मारकर उनकी अस्थियां व मांस मज्जा से पहाड़ का टीला बनाया था, उसी आस्था के केंद्र को आज सरकारें खनन कारोबारियों के हवाले करने जा रही हैं। और कहा कि सरकार को एक बाघ लाने के लिए करोड़ों रुपए खर्चा करना पड़ता है, लेकिन यहाँ राम वनपथ गवन के पर्वतों पर लगभग 28 से 30 बाघ प्रकृति के वरदान से मौजूद है, जबकि सरकार को यहाँ पर तत्काल प्रभाव से वन सेंचुरी का निर्माण करवाना चाहिए। तथा सिद्धा पहाड़ मामले में श्री सिंह ने कहा कि क्षेत्र की जनता यह हरगिज बर्दाश्त नहीं करने वाली है। स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व में सिद्धा पहाड़ का गुणगान किया था और आज उसी पहाड़ को खनन कारोबारियों को सौंपना समझ से परे है, जो किसी भी कीमत में नहीं होने दिया जाएगा। सिद्धा पहाड़ हमारे ऋषि मुनियों की स्मृति व जनमानस की धरोहर है। धर्म की रक्षा हेतु ऋषि मुनियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। हम उनकी स्मृतियों व अवशेषों की रक्षा क्षेत्र के जनमानस के साथ मिलकर करेंगे। सिद्धा पहाड़ में लगी चौपाल में ग्रामीणों ने संकल्प लिया कि हम सब सिद्धा पहाड़ की रक्षा के लिए हर स्तर तक आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। सिद्धा पहाड़ को लेकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ट्वीट आया है सुबह कि सिद्धा पहाड़ की माइनिंग लीज को हम निरस्त करते हैं, उसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूं। परंतु मेरा ये कहना है मध्यप्रदेश सरकार से और भाजपा के नेताओं से कि चित्रकूट भगवान राम की तपोभूमि है। भगवान राम ने यहाँ पर 11.5 वर्ष वनवास किया है और पूरे चित्रकूट में पूरे घूमे हैं और कण कण में भगवान राम है। और भाजपा सरकार और भाजपा के लोग भगवान राम के नाम पर ही सत्ता पर काबिज होते आए हैं और आज उनको सिर्फ सिद्धा पहाड़ दिख रहा है। मेरी सरकार से मांग है कि चित्रकूट, पूरे संपूर्ण चित्रकूट क्षेत्र को नो माइनिंग जोन एरिया घोषित करना चाहिए और इको पार्क और पर्यटन को बढ़ावा देकर हमें वहाँ की धरोहरों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भगवान राम के अस्तित्व को समझें और भगवान राम के किए गए कार्यों को जानें और भगवान राम ने 11.5 वर्ष जो चित्रकूट के क्षेत्र में बिताया है उसके बारे में हमारे आने वाली पीढ़ी जाने, इस पर जोर देना चाहिए सरकार को। एक सिद्धा पहाड़ की लीज कैंसिल करने से हमारी अवैध जो माइनिंगें चल रही हैं या अवैध उत्खनन चल रहा है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। सरकार को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे चित्रकूट क्षेत्र में जितने भी माइंस हैं या जितने भी अवैध उत्खनन हो रहे हैं, जितने भी लोगों ने अवैध उत्खनन करने का या माइनिंग लेने के लिए वो लीज अप्लाई की हुई, सबकी लीजें निरस्त कर देनी चाहिए और उसको पूरे संपूर्ण रूप से चित्रकूट क्षेत्र को नो माइनिंग जोन एरिया घोषित करना चाहिए।